बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप में से कोई हैंड रेज करके बता दे कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? एनीवन? जी वाजिद अली। वाजिद आवाज़ आ रही मेरी आपको? निमरा से पूछ लो यार। जी निमरा आवाज़ आ रही मेरी आपको? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। चलो थैंक यू। अच्छा जी, कल वाली जो रीडिंग्स हैं उसमें किसी को कोई मसला आया हो, कोई प्रॉब्लम आई हो किसी जगह पे? जी हाफिज। जी सर, मैंने आपसे पूछना था इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन, सर बता दें, किस? वेरिफाइबिलिटी में, वेरिफाइबिलिटी में था सर। देखें, एक्चुअली कुछ चीज़ों की डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो जाती है और कुछ की इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट वेरिफिकेशन ये है, बिजली का बिल जो है वो डायरेक्ट वेरिफिकेशन कर रहा है कि जी बिजली का बिल हमारा इतना है। और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन के अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास नहीं होता, और हम जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जरिए जो है, बजाय बिजली के बिल से हमें कोई कैलकुलेशन मिल जाए किसी इंजीनियर की, क्यों इसके ऊपर यूनिट वूनिट लिखे हुए हैं और कैलकुलेशन हुई हो तो वो वेरिफिकेशन करेंगे तो वो इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन कहलाएगा। सर ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये एक्सप्लेन कर दें इसकी। जी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री माइट बी वेरीफाइड बाय चेकिंग द इनपुट्स एंड रीकैलकुलेटिंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग द सेम अजम्पशन FIFO। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें और FIFO के बारे में बता दीजिएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो स्टॉक बचा हुआ होता है ये रेंट पे उसे कहते हैं, और FIFO ये इसको हम फाइफो बोलते हैं, पढ़ते हैं। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की एब्रीविएशन है। ये बेसिकली इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का एक मेथड है, जो कि आगे जब इन्वेंट्री का चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर इस चैप्टर के ऊपर बहुत डिटेल से बात होगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी आप ये समझ लें कि ये फाइफो जो है ये इन्वेंट्री को वेरीफाई करने का एक तरीकाकार है, जिसकी उसने एज ए वेरीफाइबिलिटी के अंदर उसने एग्जाम्पल दी। ठीक है सर एक और क्वेश्चन है, ये जी ट्रांजैक्शन जरा बता दीजिएगा कॉन्सेप्ट जी कौन सा है। जी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वेरियस पीरियड्स अज्यूमिंग मनी हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है एक, वो हमने और मैचिंग कॉन्सेप्ट इसको भी इसे हम कह सकते हैं। अब मुझे नहीं पता इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है? सर इसने दिया हुआ है स्टेबल करेंसी यूनिट। हाँ, वही मनी मेजरमेंट जो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी पैसे की वैल्यू जो है वो हम अज्यूम करते हैं अकाउंटिंग करते हुए कि वो सेम रहती है, और ये बहुत बड़ी अजम्पशन है। हालांकि ऐसे नहीं है, पैसे की वैल्यू ओवर द पीरियड चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग करते हुए ये अज्यूम करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, सर ये आ गया है कंसेप्ट, ये वाला स्टेबल करेंसी यूनिट वाला? नहीं ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। आपको याद होगा कि मैंने एक डिस्कशन में ये आपको बताया था, जिस वक्त हमने वो हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू और फेयर वैल्यू की बात की थी, वहाँ पर मैंने इसका जिक्र किया था कि ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही करते हैं। तो ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर अकाउंटिंग करना, यही बेसिकली ये करेंसी वैल्यू कॉन्स्टेंट करेंसी वैल्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। जी और जी जी फायजा, सर डुअल एस्पेक्ट का बता दें जरा एक दफा, ये क्या है? डुअल एस्पेक्ट जब हमने हमने एंट्री बनानी सीखी है तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। यदि कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो गिव एंड टेक हो रहा है, कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट भी हो रहा है। ये जो दो लेना और देना है, या दो अकाउंट के ऊपर किसी एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो इफेक्ट आता है उसे हम ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है जी सर, और सर एक और स्टेटमेंट पूछनी थी आपसे, जी। ये मैं पढ़ती हूँ जरा एक मिनट। आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर कॉस्टिंग लेस देन ₹1,000 आर चार्ज टू कॉस्ट। कैपिटल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, वो ये जो स्टेटमेंट पढ़ के हमें किस कॉन्सेप्ट का आइडिया आता है हमारे जहन में, कैपिटल रेवेन्यू कौन, उसकी मदद से ये तय करेंगे कि ये जो इतने पैसे खर्च हुए हैं इनको एक्सपेंस बनाना है या इन्हें नॉन करंट एसेट बनाना है। तो फौरी तौर सर पर मटेरियलिटी नहीं, कैपिटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट जो है
और सर यहाँ पर इसका मटेरियलिटी दिया हुआ है। मैं बताता हूँ ना, हम मटेरियलिटी देख के कि वो अमाउंट कितनी मटेरियल है उसकी बेस के ऊपर कैपिटल रेवेन्यू का तयन करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ के हमारे जेहन में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है कैपिटल रेवेन्यू का और दूसरा आता है मटेरियलिटी का। दोनों आंसर लिख देंगे, दोनों सही हैं। जो मटेरियलिटी लिखेगा वो भी सही है, जो कैपिटल रेवेन्यू लिखेगा वो भी सही है, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू सोल्यूशन है जिसकी बेस के ऊपर हमने डिसाइड करना है, और मटेरियलिटी अमाउंट को कंसिडर करना है कि अगर तो वो मटेरियल अमाउंट होगी तो हम उसे कैपिटल में ले जाएंगे, अगर वो मटेरियल नहीं होगी, छोटी मोटी अमाउंट होगी, तो हम उसे रेवेन्यू में ले जाएंगे। तो इसके आंसर सर ये जी प्रूडेंस में नहीं आ सकता? नहीं, प्रूडेंस नहीं है, प्रूडेंस का इंटायरली डिफरेंट मीनिंग होते हैं। प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कोई होने वाला लॉस हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ओके सर, थैंक्स। जी जी कासिम सरवर। सर मैंने पूछना था कि ये लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स आर स्टेटेड एट कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जी भाई, तो इसमें कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना। देखें सर ये तो स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही। नहीं, पहली बात तो ये है कि स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं समझ आनी, उसकी वजह ये है कि एक्चुअली ये जब हम साथ साथ सारा काम कर रहे होते हैं ना, उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है, फायदे ज्यादा है ड्रॉबैक कम है, इसलिए हम फायदे वाला काम करते हैं, यानी इन्हें साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस को करते हैं। अदरवाइज दूसरी अप्रोच ये है कि सारी अकाउंटिंग चैप्टर 13 पढ़ दिए जाएं और फिर चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन किए जाएं। तो जब 13 के 13 चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होगी तो शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर करने की हमारी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा, मतलब टू सम एक्सटेंट, पहले अगर वो 95% है तो वो 100% हो जाएगी। पहली बात तो ये समझने वाला, ठीक है। तो लिहाजा किसी जगह कुछ स्टेटमेंट समझ ना आए तो परेशान ना हुआ करें, इसके ऊपर हमने पूरा एक चैप्टर आगे डेप्रिसिएशन का पढ़ना है। वो कहता है जी जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हम अकाउंट को किस वैल्यू पे दिखाते हैं, कि एसेट की कॉस्ट कितनी थी और उसमें से हमने कितने का फायदा ले लिया और एसेट बाकी कितने का रह गया, ये लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स तो ये मेरा ख्याल मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि जिस पीरियड में हमने एसेट का जितना फायदा ले लिया उतना वो एक्सपेंस बन जाएगा और बाकी एसेट बच जाएगा, ठीक है। सर इसमें ऑप्शन जो है ना वो आंसर हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिया हुआ, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट किस तरह सर, वो तो पास्ट से रिलेटेड होती है। यार हिस्टोरिकल कॉस्ट ही है ना, कि हिस्टोरिकली जितने का वो एसेट आया था उतने पे शो हुआ और फिर जितना उसमें से हमने बेनिफिट ले लिया या जितने का एसेट कंज्यूम हो गया वो उस हिस्टोरिकल कॉस्ट में से माइनस हो जाता है, एक्सपेंस बन जाता है, यही बता रहा हूँ आपको। तो जो बाकी बचता है वो क्या है, वो हिस्टोरिक कॉस्ट के ऊपर ही रिमेनिंग एसेट है। मैंने एसी खरीदा फर्ज करें लाइक 100,000 का, साल बाद उसमें से वो 80,000 का रह गया, तो वो 80,000 उस 100,000 का ही एक हिस्सा है ना, तो वो भी स्टोरी कॉस्ट थी। 180,000 भी स्टोरी कॉस्ट है, 20,000 एक्सपेंस बन जाएगा क्योंकि हमने उतना उसका बेनिफिट ले लिया, ठीक है। सर ये दूसरा ही अभी जो पहले पूछा गया था आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर वाला, हाँ? सर इसमें मटेरियलिटी वो हमने जो क्या, हेलो हेलो सर, उस चार्ज की वजह से कहा कि जो हमने 1,000 रुपीज चार्ज किए। हाँ 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 हाँ, मतलब वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, अगर कोई बड़ा अमाउंट होता तो फिर हम उसको एसेट ले लेते। लाइक मैंने बताया था ये जो पेन है ये भी एसेट है, इसने पता नहीं कितने टाइम चलना है, लेकिन चूंकि ये इसकी वैल्यू मटेरियल नहीं है, मुमकिन है 200, 400, 500 का हो, तो हम इसे एक्सपेंस भी ट्रीट कर लेते हैं, तो वो मटेरियलिटी की बेस के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है। सर गोइंग कंसर्न बेसिस का एक दफा बता देते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था जिसमें था कि देयर विल बी नो सडन स्टॉपेज इन बिजनेस। देखिए गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि जब आप बिजनेस कोई कर रहे होते हैं ना, तो नॉर्मल हालात के अंदर बिजनेस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने एसेट और लाइबिलिटीज की वही वैल्यूज दिखाते हैं जो बुक्स के अंदर आ रही होती है, अगर तो बिजनेस गोइंग कंसर्न हो। बिजनेस कब गोइंग कंसर्न होगा, जब वो आने वाले 12 महीनों के अंदर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। हम अवेल्युएट करें कि यार अगले 12 महीनों में बिजनेस बंद तो नहीं कर देना, या बिजनेस फोर्सफुली लिक्विडेट तो नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट को पाबंदी लगाने तो नहीं जा रही। अगर हम कहते हैं नहीं यार ना हम बंद करेंगे ना ये लिक्विडेट होगा, बिजनेस चलता रहेगा, तो वो गोइंग कंसर्न होता है, ठीक है। तो स्टेबल करेंसी यूनिट क्या होता है? स्टेबल करेंसी यूनिट ये होता है कि करेंसी का वो यूनिट जिसकी वैल्यू, ये गोइंग कंसर्न की समय लगी आपको? जी सर मुझे लग, ठीक है, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा आसरा होने दिया करें ना। अच्छा अब अगली बात आ गई स्टेबल करेंसी यूनिट। स्टेबल करेंसी यूनिट मीन कि अगर आज रुपए में जो कुछ खरीदा जा सकता है, साल बाद भी रुपए में वही कुछ खरीदा जा सकता हो, तो हम कहेंगे आज का एक रुपया
साल बाद वाले 1 रुपए के बराबर है और ये वाला करेंसी यूनिट स्टेबल है, उसकी वैल्यू की कमी नहीं आई। ठीक है और जी सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ट्रू एंड फेयर व्यू में एक दफा दोबारा वो समझ नहीं आया। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है कि हमने तमाम चीजें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है अगर उसके मुताबिक दिखाई होंगी तो हम कहेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू कब होगा, जब इंफॉर्मेशन रेलेवेंट भी होगी, इंफॉर्मेशन ट्रूथफुल भी होगी, सच्ची भी होगी। ठीक है, और आगे फिर हमने बताया था ये रेलेवेंस और ट्रूथफुलनेस बढ़ाई कैसे जा सकती है, वो 3 फैक्टर बताए। तो जब जिस तरह हुआ है, जिस तरह बिजनेस में हुआ है उसी तरह से लोगों को बताया जाए तो हम कहेंगे ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर है बिजनेस। ठीक है, ठीक है और जी आगे चलते हैं जी। ओके जी, अच्छा जी, कल हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर एक बेसिक डिस्कशन की थी। जो लोग कल क्लास में नहीं होंगे उन्हें शायद प्रॉब्लम हो, क्योंकि जाहिर है ये ऐसी बात नहीं है कि जिस दिन मुंह उठा के बैठ जाएं उस दिन समझ आनी शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली चीज़ों के लिंक्स होते हैं। ठीक है, मुझे एक साफ शीट चाहिए पहले। मैंने कल आपको जो बात बताई थी उसको मैं जल्दी से रिपीट करूँगा, वो ये करूँगा कि जिस वक्त बिजनेस शुरू होता है ना तो बिज़नेस के पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं होते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बिज़नेस जो है उसकी एक अपनी जो है वो वैल्यू होती है। चलो, लेकिन वो अभी फाइनेंशियल टर्म के अंदर डिफाइन नहीं हुई होती। मैंने सोचा जी मैंने एक बिजनेस करूंगा, बिजनेस कर लेते हैं जनाब। ठीक है, अच्छा वो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के लिए भाई पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेस के पास तो कोई पैसा नहीं है, पैसा बिजनेसमैन के पास है ना। सेपरेट एंटी कॉन्सेप्ट हमें जहन में रखना चाहिए क्योंकि हमने सारी बात ही यहाँ से शुरू की थी। अब जिस दिन बिजनेस शुरू किया जाता है बिजनेस के पास कैश आ जाता है और ये क्या है, ये एक एसेट क्रिएट हो गया। कौन से वाला एसेट क्रिएट हो गया? कैश का। कितने का? मैंने कल एग्जांपल दी थी 10 लाख का। और इसके बदले में फौरी तौर पर एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। ठीक है, उस लायबिलिटी को हमने क्या नाम दिया था? उस लायबिलिटी का नाम कैपिटल था। और वो लायबिलिटी कितनी थी? जितना मैंने कैश लिया यानी 10 लाख रुपया। तो बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन के बाद से लेके बिजनेस की होने वाली हर ट्रांजैक्शन के बाद ये वाली इक्वेशन जो है ये हमेशा टैली रहेगी। होगा क्या, इसके एक साइड पर यहाँ पर एसेट्स आएंगे। अब उन एसेट्स के नाम बदलते रहेंगे या एडिशन होते जाएंगे, कैश के साथ फर्नीचर आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगी, रिसीवेबल आ जाएगा। और दूसरी साइड पर क्या आएगा? इक्विटी। ठीक है, और प्लस लायबिलिटी। इक्विटी भी लायबिलिटी होती है लेकिन ये ओनर्स की लायबिलिटी होती है जो हमने ओनर को पैसे देने होते हैं, और जो सिंपल लायबिलिटी होती है ये उन लोगों के पैसे देने होते हैं जो अदर देन ओनर्स होते हैं। माय डियर, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? अकाउंटिंग इक्वेशन। और आज का हमारा टॉपिक यही है, हम प्रूफ करेंगे कि डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, और लेक्चर के आखिर में एक चीज़ कंक्लूड करूंगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन पहले हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। आए जी किताब के ऊपर। ओके, ये देखें जी, ये इक्वेशन लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, कल भी मैंने डिस्कस की थी कि एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। आगे चलें जी, ये देखें, उसने कहा द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कहते जी ये अब उसने ना ट्रांजैक्शन 1 से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखें, सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है इधर एसेट, पहले सबसे ऊपर आप ये इक्वेशन लिख लें। लिख ली हमने, क्या इक्वेशन है जी? एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। और सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई? स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 30,000, 30,000 से बिजनेस शुरू किया। तो इधर कैश आ गया 30,000 का और इधर कैपिटल आ गया 30,000 का, लायबिलिटी जीरो हैं। इक्वेशन इधर भी टोटल 30,000 आ गया, इधर भी टोटल 30,000 आ गया। इक्वेशन जो है वो क्या है? टैली है। ठीक है, आगे उसने एक्सप्लेन किया है, कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द न्यू बिजनेस, दिस इज रिकॉर्डेड एज द ओनर्स कैपिटल, द न्यू बिजनेस आल्सो हैज कैश इन द बैंक व्हिच इज एन एसेट, एसेट एंड इक्विटी हैव बोथ इंक्रीज्ड,
₹30,000, यानी पहले एसेट जीरो थे वो 30,000 हो गए, लायबिलिटी यानी इक्विटी जीरो थी, किसी के ओनर के पैसे हमने नहीं देने थे, जैसे ही उससे पैसे आए कैपिटल आया तो हमने उसके पैसे देने हैं, लिहाजा दोनों तरफ 30,000, ये 30,000 रुपए का कैश एसेट क्रिएट हो गया और ये 30,000 रुपए की कैपिटल की लायबिलिटी क्रिएट होगी, और ये इक्वेशन जो है ये क्या है, बराबर है। आगे चलते हैं, ये देखें ट्रांजेक्शन नंबर 2, ये अब्बास वाला क्वेश्चन है, ये अब्बास वाले क्वेश्चन को हम काफ़ी आगे तक लेके चलेंगे, आगे सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इससे बनाएंगे। अब्बास बारोज ₹40,000 फ्रॉम हिज ब्रदर, ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन ये है, मुझे ज़रा एक शीट दे दें यार, बजाय इसको एक्सप्लेन करने के मैं ऐसे लेके चलता हूँ, ये अगली शीट दे दें। ओके, ये देखिएगा, मैं सबसे ऊपर इक्वेशन लिखने लगा हूँ, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, ठीक है जी, ये क्या है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो बेसलाइन है, और हम ये कहते हैं कि जी अकाउंटिंग इक्वेशन हर वक्त बराबर रहती है। क्यों बराबर रहती है? कि बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन में कंपनी के पास जो कैश आता है वो किसी का दिया हुआ होता है, वो कैश एसेट होता है, लेकिन वो किसका दिया हुआ होता है, ओनर का, जिसे हम कैपिटल कह रहे हैं अभी, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन बिजनेस की क्या हुई, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में क्या हुआ, इसको हम कलर चेंज करते जाएंगे, पहली ट्रांजैक्शन के नतीजे में इधर कैश आ गया और इधर कैपिटल आ गया। कैश कितना आ गया जी, 30,000, ये वही ट्रांजैक्शन है जो इधर पहले लिखी, और ये कितना आ गया, 30,000, और अदर लायबिलिटी जीरो है, लिहाजा दोनों साइडों का टोटल 30,000 है, इक्वेशन हमारी टैली है, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। आप पीछे जाएं, हाँ जी, दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, अब्बास बारोस फ्रॉम हिज ब्रदर 40,000 टू परचेज अ मोटर वैन, उसने वैन खरीदने के लिए भाई से लोन लिया, ठीक है, यानी उसने लोन लेकर वैन खरीदी। अब इस एंट्री का इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलें जी जरा उधर, अब ये आ गई हमारी जो इसकी नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर ये तो थी, अच्छा पहले हमने इसको क्या करना था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, अब हम आ जाते हैं, इसको अब हम कलर चेंज करता जाऊँ ताकि आपको आइडेंटिफाई होता जाए, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब आपने लोन लेकर वैन ली, यानी वैन उधार ली, यूँ समझ लें, तो इधर आपके पास कैश पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपका कैश तो 30,000 का 30,000 वैसे ही रहा ना, आपने तो उधार ख़रीदा है, ओनर ने जो बिज़नेस को पैसे दिए ये हमने वापस तो नहीं किए ना भाई अभी, ठीक है, लिहाजा ये भी 30,000 हैं। एडिशनल काम क्या हुआ, इधर एक और एसेट आ गया जिसका नाम वैन है, और वो कितने का है, 40,000 का, और इसके बदले में इधर एक और लायबिलिटी आ गई, वो क्या है, पेएबल टू ब्रदर, ब्रदर को पेएबल है कितना, 40,000, ये रहा, ठीक है, इक्वेशन हमारी फिर टैली है, ये कितना हुआ 70,000, और ये कितना हुआ अगेन 70,000। ये इक्वेशन को मैं इस तरह लिखता जा रहा हूँ बजाय आगे जमा करूँ, ठीक है, जगह कम है तो किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ये क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 को हमने इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। आप जाएं जी पीछे ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे आ जाएं, ये देखें, अब्बास बायज अ मार्केट स्टॉल एंड पेज ₹5,000 इन कैश, मार्केट में एक स्टॉल खरीदा और 5,000 रुपया उसकी कीमत दी, कुछ स्पेस ली होगी मार्केट के अंदर, वो 5,000 रुपये की वो स्टॉल खरीद लिया हमने, स्पेस खरीद ली, खोखा खरीद लिया, शॉप खरीद ली, जो मर्जी करें, ठीक है, उसी शीट पर चले जाएं। अब ये देखें, ये क्या है, ये अब इक्वेशन नंबर 3 है मेरी, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, ये देखें एंट्री नंबर 3 के बाद इक्वेशन की सूरत हाल क्या होगी। अब मेरे पास कैश मौजूद है, बिल्कुल है, उसके अंदर कुछ चेंज आई है कि नहीं ये देखना है, मेरे पास वैन मौजूद है, बिल्कुल है, वैन तो कहीं नहीं गई, मार्केट का जब स्टॉल खरीदा है तो कैश और वैन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है, ख़त्म तो नहीं हो गए ना, वो इफेक्ट क्या है वो अभी देख लेते हैं। और एक एडिशनल एसेट क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है, स्टॉल,
मार्केट स्टॉक, ठीक है, और इधर इसके बदले में कैपिटल की एक लायबिलिटी क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, और पेएबल है भाई को, पेएबल टू ब्रदर वो है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई मैंने उधार किसी से और नहीं खरीदा, उधार मैंने किससे, एक कैपिटल लिया हुआ है ओनर से, वो कितना 30,000, और दूसरा मैंने क्या किया हुआ है, मैंने भाई से लोन लिया हुआ है कितना 40,000, ठीक है। इस साइड पर क्या हुआ, जब मैं कैश देकर स्टॉल खरीदता हूँ तो मेरा कैश 30,000 की बजाय कितना हो जाता है, 25,000 हो जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी आप लोग, जाहिर है 30,000 था मेरे पास ट्रांजैक्शन होने से पहले, 5,000 का जब स्टॉल खरीदा तो कैश कितना रह गया, 25,000। वैन उतनी की पड़ी हुई है मेरे पास, इसके अंदर कोई चेंज वेंज जब आएगी फिर देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। और स्टॉल मेरे पास कितने का आ गया, 5,000 रुपये का। अब अगर मैं इक्वेशन की इस साइड का टोटल करता हूँ तो ये भी 70,000 है, और इस साइड का टोटल करता हूँ तो ये भी क्या है, 70,000 है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो फिर टैली है, ठीक है। अब देखें उसके बाद हम ट्रांजैक्शन 4 पे जाते हैं, ये देखें, अब्बास नो बाय सम फुटबॉल शर्ट्स ऑफ 18,000, ही बायज दीज ऑन क्रेडिट एंड डज नॉट हैव टू पे फॉर देम इमीडिएटली, ठीक है। यहाँ उसे बताना चाहिए कि वो फुटबॉल शर्ट्स उसकी ट्रेडिंग गुड्स हैं या फुटबॉल शर्ट वो बेचता है, ठीक है, ये उसकी परचेजेज है, इन्वेंट्री है, क्योंकि जब तक बिकेगी नहीं वो आपका स्टॉक है, ठीक है ना। तो लिहाजा उसने क्या किया, 18,000 रुपए की टी शर्ट्स खरीदी, उसने उस मार्केट स्टॉल में टी शर्ट बेचनी है खड़े होके या बैठ के जैसे भी है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या हुई, पहले तो हो चुकी हैं, अब अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई है कि हमने मार्केट के अंदर जो स्टॉल खरीदा है उस पर बेचने के लिए हमने टी शर्ट्स खरीदी हैं 18,000 रुपए की, ठीक है। अब अगर ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 जो है इसको हम लेके चलें, ये देखें ट्रांजेक्शन नंबर 4, ठीक है, मेरा कैश मेरे पास मौजूद है, हमने उधार तो नहीं खरीदी ना टी शर्ट, पीछे जाओ जरा, हैं क्रेडिट पे खरीदी है, पीछे करो जरा, हमने पहचान करनी है कि ये उधार ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, उसके अंदर किसी का नाम होगा या बताया गया होगा, उसने बताया हुआ है ही बायज दी शर्ट ऑन क्रेडिट, यानी उधार खरीदी, अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात की, उधार खरीदी है, ओके आगे चलें शीट पे। तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश मेरा 25,000 ही रहा, ठीक है। उसके बाद वैन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैन हिस्टोरिकली 40,000 ही की खरीदी हुई है मैंने, ठीक है। स्टॉल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉल भी मेरा 5,000 का खरीदा हुआ है। एक और एसेट इधर आ गया, और उस एसेट का नाम क्या है, इन्वेंट्री, वो चीजें जो खरीदें बेचने के लिए और बिकी ना हो उन्हें हम इन्वेंट्री कहते हैं, और वो हमने खरीदी है 18,000, ठीक है। इधर ये जो लायबिलिटी साइड पर क्या पोजीशन है कि कैपिटल ओनर का अभी उतने का उतना ही है, क्योंकि हमने को पैसे अभी जाया नहीं किए, ना कोई इनकम अर्न हुई है। कल याद है मैंने आपको बताया था कि हर इनकम कैपिटल को बढ़ा देगी और हर एक्सपेंस कैपिटल को कम कर देगा, तो कैपिटल मेरा कितना है, उतने का उतना ही है, क्योंकि अभी ना इनकम हुई है ना एक्सपेंस हुआ है, 30,000। और ये जो लोन है पेएबल, इसको मैं लोन पेएबल कह दूँ, सिंपली पेएबल टू ब्रदर कह लूँ, ठीक है, पेएबल टू ब्रदर कह लें, ठीक है, ये कितना है, 40,000, लोन लिख लें ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, लोन लिख लें, लोन फ्रॉम ब्रदर, यहाँ भी लोन, यहाँ भी लोन, यहाँ भी लोन, ठीक है, मैं कर देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसको सही कर देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ये ना। ये कैपिटल हो गया और ये लोन हो गया, लोन पेएबल, ठीक है जी, ये लोन हमने देना है। इसी तरह यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, ये वाली जो जगह है इधर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ओके, और इधर हम लिख लेते हैं कैपिटल प्लस लोन पेएबल, ठीक है जी, ओके। इसी तरह यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी, उसका ज़रा हेड प्रॉपर हो जाएगा ना, आपको कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है, क्या है
कैपिटल आ गया, कैपिटल ठीक है, और ये भी लोन पे, ओके जी, ओके। अब हम थे यहाँ पर, हमने क्या किया था, हमने उधार खरीदा था, इन्वेंट्री शर्ट्स खरीदी थी, वो इधर मेरे एसेट में इजाफा हो गया क्योंकि अभी मेरे गोदाम में पड़ी हुई है, अभी बिकी तो नहीं है, तो वो मेरा एसेट है क्योंकि इनके अंदर फ्यूचर बेनिफिट है, कैश में फ्यूचर बेनिफिट है, एसेट है, वैन में फ्यूचर बेनिफिट है, एसेट है, स्टॉल में फ्यूचर बेनिफिट है, एसेट है, इन्वेंट्री में फ्यूचर बेनिफिट है, बेचेंगे ये भी मेरा एसेट है, ठीक है। और इधर ओनर के मैंने पैसे देने हैं 30,000, भाई का मैंने पैसे देने हैं 40,000 जो लोन लिया था उससे, और साथ अब मैंने क्या करना है, इसको हम बोलते हैं पेएबल्स, पेएबल टू सप्लायर, ठीक है, कितना 18,000, ठीक है। तो जब मैं इसको टोटल करता हूँ तो ये क्या आया, 88,000, ठीक है, और इधर भी कितना आया, ये भी कितना आ गया, 88,000। इक्वेशन फिर टैली है, चेक करके देख लें, ये भी 88,000 है, वो भी 88,000 है। तो हर होने वाला बिजनेस इवेंट क्या कर रहा है, इक्वेशन को इस तरह अफेक्ट कर रहा है कि इक्वेशन हर इवेंट के बाद बराबर रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, ट्रांजेक्शन नंबर 5 के ऊपर, कहता है बास पेज रुपीज 10,000 टू सप्लायर फॉर सम ऑफ द टी शर्ट ही परचेज, कहता है उसने अपने सप्लायर को 10,000, जिसे उधार खरीदा था ना उसको 10,000 दिया, हाँ जी। अब मुझे अगला पेज चाहिए होगा, गुंजाइश मुकम्मल हो गई, ठीक है जी, ओके। तो हम यहाँ पर ये देखें, ट्रांजेक्शन नंबर हो गया, ओके, ओके, ट्रांजेक्शन नंबर 5, ठीक है। इधर मेरे पास क्या है, कैश है, पहले जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हों पिछली क्वेश्चन में वो लिख लिया करें, जैसे अभी तरतीब बन गई है ना, कैश है मेरे पास, वैन है मेरे पास, स्टॉल है मार्केट स्टॉल मेरे पास, इन्वेंट्री है, ठीक है। अब ये सोचा करें कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, अब ट्रांजैक्शन क्या हुई है कि उसने अपने सप्लायर को 10,000 रुपया पे किया है, जो उसका उधार देना था उसमें से उसने 10,000 रुपया पे किया है, ठीक है। तो मेरा कैश कितना रह गया, इससे पहले कैश कितना था जी, पिछली स्लाइड पे जाएं जरा, पीछे वाली इधर से, हाँ ये देखें, मेरे पास कैश था 25,000, और जब इसमें से 10,000 अब मैंने पे किया तो ये इस इधर गया, हाँ, तो अब मेरा कैश कितना रह गया, 15,000, ऐसे ही है ना जी, 15,000 रह गया। वैन 40,000 की वैसे की वैसी है, मार्केट का स्टॉल 5,000 का है, वैसे का वैसा ही है, इन्वेंट्री मेरे पास अभी पड़ी हुई है, बिकी तो है ही नहीं, ठीक है। तो एसेट साइड पर सिर्फ एक चेंज आई, क्या हुआ, कैश कम हो गया, क्यों कम हो गया, कि मैंने सप्लायर को पैसे दे दिए। अब इस साइड पर क्या है, कैपिटल है, वो कितना है, 30,000, ओनर के मैंने पैसे जो देने हैं, ठीक है। फिर लोन है, वो जो भाई से लिया हुआ है, लोन पेएबल, वो कितना है, 40,000, और फिर पेएबल टू सप्लायर है, पेएबल टू सप्लायर, जिससे हमने चीज़ें खरीदी हैं, उसके 18,000 देने से इस ट्रांजैक्शन से पहले हमने उसको 10,000 रुपया दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अब मैंने उसको कितने पैसे देने हैं, अब मैंने उसको सिर्फ 8,000 रुपया, ठीक है। टोटल करके देखें ये कितना बना, 78,000, ठीक है, और ये कितना बना, ये भी कितना बना, ये भी 78,000। इक्वेशन फिर टैली है, ठीक है, पांचवी ट्रांजैक्शन के बाद भी इक्वेशन टैली है। आगे चलेंगे, अब देखें, अब मैं इधर बोर्ड पे आने लगा हूँ, ये जो इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है, नहीं अभी भी नहीं, ये ट्रांजैक्शन भी मैं उधर ही करूँगा। कहता है बात सेल्स 50% ऑफ द टी शर्ट जिनकी कॉस्ट 9,000 थी फॉर पीस 12,000 इन कैश। उधर चले जाए, कहते हैं अब्बास ने इस इन्वेंट्री में से, ये वाली जो इन्वेंट्री है इसमें से अब्बास ने
50% से शर्ट जो हैं वो 12,000 रुपए की बेच दी। अब जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उस वक्त दरअसल दो ट्रांजैक्शन होती हैं, ज़रा तवज्जो तलब बात है। अब इनकम और एक्सपेंस का इम्पैक्ट भी इसी इक्वेशन के अंदर आने लगा है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बाजार लग रहा है कि यार इसमें एक साइड पर क्या है, एसेट हैं, दूसरी साइड पर लाइबिलिटीज और इक्विटी हैं, इसमें इनकम और एक्सपेंसेस तो हैं ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस किस तरह इस इक्वेशन को अफेक्ट करेंगे वो ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। वो कह रहा है कि जी 9,000 की चीज़ें, यानी 50% 18,000 का 50% 9,000, वो हमने 12,000 की बेच दी। अब जब ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो दो इवेंट होते हैं, एक हमारे ही हमारा एसेट जो कि इन्वेंट्री है वो कंज्यूम होता है। वो क्या होता है, पहले जैसे मैंने बताया पहले वैसे ही लिख लें, कैश वैन स्टॉल और इन्वेंट्री, ठीक है, और इधर भी लिख लिया करें पहले कैपिटल। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि यानी है चेंज, इसलिए मैं यहाँ पर इसको हम ये कैपिटल नहीं लिख रहे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आप देखें जब मैं 9,000 की चीज़ 9,000 की चीज़ बेचता हूँ तो ये जो मेरी इन्वेंट्री है ये 18 की बजाय 9,000 की रह जाती है, ऐसे ही है ना जी, आधी चीज़ें बिक गई हाँ, और ये मेरा एक्सपेंस हो गया। जब तक ये बिकी ना थी मेरा एसेट था, क्योंकि मैंने इसको फ्यूचर में इससे बेनिफिट लेना था, बेनिफिट क्या लेना था, सेल करना था इसे। हर चीज़ का मुख्य बेनिफिट होता है, इस रोस्टम का बेनिफिट ये है कि मैं इसे यूज़ करूँ, और अगर मैं रोस्टम बेचता हूँ तो इसका फिर बेनिफिट क्या है कि ये बिक जाए। इकोनॉमिक बेनिफिट की कंजम्पशन का ताल्लुक यूज़र के साथ होता है कि उसका यूज़र उसे किस तरह से, मतलब मैं अगर इनको सेल करता हूँ तो फिर मैं इन्हें बेचता हूँ तो इनका इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे लिए खत्म होता है, ओके। और अगर मैं कॉलेज में ला के इसको पढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ तो फिर इसका इकोनॉमिक बेनिफिट इसको यूज़ करने से कम नहीं होता, ओके। 18,000 में से 9,000 की चीज़ें बिक गई, बाकी रहेगी 9,000। 9,000 की चीज़ें जब बिकी तो ये हो गया एक्सपेंस। मेरी इक्विटी जो कि 30,000 थी, ये मैं रफ वर्किंग करने लगा हूँ, इसमें से 9,000 कम हो गया क्योंकि मेरा एक्सपेंस हो गया 9,000 का, ठीक है। और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हुई, यानी एक एसेट एक्सपेंस हुआ कंज्यूम होके, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस हुई, डिक्रीज इन एसेट हुई। और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हुई है कि चीज़ें 12,000 की बिकी, 12,000 की जब चीज़ें बिकी तो 12,000 हमारे पास आया, कैश आया, तो मेरा कैश कितना हो गया, 15 जमा 12 27,000। बात समझ आ रही है आप लोगों को मेरी, ठीक है। और 12,000 की इनकम भी हुई है हमें, हमने 9,000 का खर्चा ज़रूर किया चीज़ के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैपिटल के अंदर 12,000 में और ऐड कर दूंगा। ये मैं अब रफ वर्किंग के तौर पर कर रहा हूँ, वो पहली क्वेश्चन वहाँ मुकम्मल हो चुकी है। यानी मेरा कैपिटल जो था वो इनकम और एक्सपेंसेस की वजह से, एक्सपेंस की वजह से कम हुआ, इनकम की वजह से बढ़ा हुआ, और नेट इफेक्ट क्या हुआ, वो 3,000 रुपए से इंक्रीज हुआ। और जूँ ही इस कैपिटल के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस के इफेक्ट आने शुरू हुए तो ये कैपिटल की बजाय क्या कहलाया जाएगा, कल बताया था ये इक्विटी कहलाई जाएगी। क्या कहेंगे हम इसे, इक्विटी। मेरी इक्विटी कितनी होगी, मेरी इक्विटी अब जनाब होगी 33,000। वो कैसे, ऐसे 30,000 माइनस 9,000 जमा 12,000, तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ इक्विटी के ऊपर, हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ, हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ गया, और जब कैपिटल के अंदर प्रॉफिट का इफेक्ट आता है या लॉस का तो वो इक्विटी बन जाता है। बाकी ये जो लोन पेएबल है ये वैसे का वैसा ही रहा, हमें कोई इसमें इशू नहीं आया 40,000, ठीक है। इसी तरह ये जो पेएबल टू सप्लायर है, इसके कुछ पैसे दे दिए थे, बाकी अभी हमने देने हैं, वो कितने देने हैं, 8,000। लो जी, अब जब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं अल्टीमेटली, इधर वैन कितने की रही है, 40,000 ही की, और मार्केट स्टॉल कितने का आया, 5,000 का। इनको जब हम टोटल करते हैं तो ये टोटल कितना बनाएंगे, 81,000। ये 81,000 इधर आ गया और ये 81,000 इधर का टोटल कर लेंगे तो ये भी इधर आ गया। तो क्या हुआ, इनकम और एक्सपेंस बाहर यहाँ नज़र नहीं आ रहे,
लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस ने किसको अफेक्ट करना है, इक्विटी को अफेक्ट करना है। कैसे? हर इनकम इक्विटी को बढ़ाएगी और हर एक्सपेंस जो है वो इक्विटी को कम करेगा। मेरा ख्याल समझ आ जानी चाहिए। आगे चलें जी, ट्रांजैक्शन नंबर 7 के ऊपर। ओके, ये देखें, इसको मैं यही एक्सप्लेन करूंगा। कहता है बास सेल्स फॉर 9,000 टू द शॉप ओनर इन अनदर टाउन। दीज शर्ट्स ओरिजिनली कॉस्ट रुपीज 5,000। He sells the shirt on credit, giving the purchaser 1 month to pay. अब वो कह रहा है कि जी हमने 9,000 रुपए की और सेल की कुछ टी शर्ट की किसी और टाउन में, लेकिन वो टी शर्ट हमने 5,000 की खरीदी हुई थी। ऐसा ही है ना, दीज शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट रुपीज 5,000, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 थी, मैंने 9,000 की बेची और बेची भी उधार हैं। ये देखें, He sells the shirts on credit, उधार बेची, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट जो है, ये तो ये सारा वो एक्सप्लेन करता है पहले ट्रांजैक्शन को, ठीक है, पहले अंग्रेजी में समझाता है, हम आप डायरेक्ट एंट्री पे जा रहे हैं। देखें, जब मैं उधार बेचूंगा तो पिछली इक्वेशन में देखें मेरा कैश 27,000 था, जब उधार बेचा है तो कैश के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगी, वो 27,000 ही रहेगा। इन्वेंट्री मेरे पास 9,000 की थी, उसमें से 5,000 की अब और बिक गई तो पीछे कितनी रह गई, 4,000। रिसीवेबल, हमने उधार बेचा है ना, तो जब मैं उधार बेचूंगा तो एक नया एसेट क्रिएट होगा, उस नए एसेट का नाम हमने क्या रखा है, रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो कैश की बजाय हमें वादा देता है, वो वादा भी मेरा एसेट है जिसे हम रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है। और स्टॉल मेरे पास 5,000 का ही है, वैन मेरे पास 40,000 ही की है। इस साइड पर जब हम आ जाते हैं तो अब इसे मुझे कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, अब इसे मुझे इक्विटी लिखना चाहिए। ये गलत लिखा हुआ है। कैपिटल उस वक्त तक था जब तक इसमें पहला इनकम या एक्सपेंस ऐड लेस नहीं हुआ था। जो ही पहला इनकम या एक्सपेंस इसमें ऐड लेस होता है तो कैपिटल बिकम्स इक्विटी। खैर, उसने यहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ओरिजिनल कैपिटल 30,000 है और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 3,000 पिछली ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ था जब मैंने 9,000 की चीज़ें 12,000 में बेची थी, और अब 4,000 प्रॉफिट अब हुआ है क्योंकि मैंने 5,000 की चीज़ें 9,000 में बेची हैं। तो 3 पिछला और ये वाला प्रॉफिट पहले वाला मिला के टोटल कितना हो गया, 7,000। तो पहले वाली इक्विटी कितनी थी, ऐसे कह लें 33,000, और इस ट्रांजैक्शन ये जो अब हम देख रहे हैं इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,000। क्यों? कि 5,000 की चीज़ें 9,000 में बेची हैं, तो टोटल जो प्रॉफिट हो गया वो 37,000। टोटल इक्विटी कितनी होगी, 33 पहले थी, 4 अब प्रॉफिट हुआ है, यानी 5,000 लेस हुआ 33 में से और 9,000 उसमें ऐड हुआ, एक्सपेंस लेस हुआ, इनकम ऐड हुई, तो वो टोटल कितना बन गया, 37,000। ये जो हमने लोन देना है ये वैसे का वैसा ही देना है, ये पेएबल हमने वैसे के वैसे ही देने हैं। उसने इक्विटी को अलहदा दिखाया हुआ है और अदर लाइबिलिटीज को अलहदा दिखाया हुआ है। इन दोनों को जमा, मैं नीचे भी लिख सकता हूँ जैसे मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों को जमा करके देखें, इन दोनों को जमा करें, ये और ये साइड जमा करें, ये भी 85,000 है, इन दोनों का टोटल भी कितना है, 85,000। तो इक्वेशन जो है वो क्या है, सही है। तो हर इनकम और एक्सपेंस जो है वो क्या कहते हैं, इक्विटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है रिस्पेक्टिवली। आगे चलें जी, लो जी, बस जी, कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट एन अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब वो कहता है जी स्टार्टिंग वही वाली आपकी इक्वेशन है जो हमने लास्ट बना ली है, वो लास्ट इक्वेशन क्या बनी है उसी को लेके अब कहता है जी ये 4 ट्रांजैक्शन और उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें। कुछ भी नहीं, हमें चुस मारी हुई है, मतलब वो कंटिन्यू कर देता 12 ट्रांजैक्शन तो ठीक थी। आपको सिखाया ये हुआ है कि जब आप पिछली इक्वेशन लेके अगली ट्रांजैक्शन करेंगे तो ओपनिंग के तौर पर वो पहले वाली इक्वेशन लेनी नहीं। आगे चलो भाई। अच्छा, अब वो मेरा ख्याल आपको सवाल करवा रहा है, ठीक है, पीछे चलो। अब आप लोगों ने करना क्या है जी, ये जो हमने लास्ट इक्वेशन बनाई है, पीछे चलें, ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो हमने लास्ट बनाई है, आप ज़रा मेरा पेज निकाल दें जिसपे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये 6 नंबर है। अब जब मैं 7 पे जाऊँगा, इक्वेशन नंबर 7 पे, ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जब ये मैं 7 पे जाऊँगा तो मेरे पास कैश उसी तरह से आएगा 27,000 क्योंकि मैंने उधार बेचा है, मैं अपने फॉर्मेट में लिखने लगा हूँ। वैन मेरे पास उसी तरह से आएगी कितने की, 40,000 की, क्योंकि मेरे पास वैन है 40,000 की। फिर स्टॉल में जो है वो 5,000 का, ये मैंने ले लिया स्टॉल 5,000 का। मेरी जो इन्वेंट्री है
वो कितनी रह गई, 9,000 में से 5,000 की चीजें और बिक गई तो बाकी इन्वेंट्री कितनी रह गई, 4,000। और मेरा एक और एसेट क्रिएट हो गया जिसका नाम आर ए मीन रिसीवेबल है, और वो कितना है, 9,000, क्योंकि आपने उधार चीज बेची है। अब जब मैं इसका टोटल करूंगा तो ये टोटल कितना बनेगा जी, 85,000। ये 85,000, ठीक है, समझ लगी बात की, ये कितना बना यहाँ पर, ये नहीं मान रहा, चलो छोड़ दो, ये 85,000 आ गया, ये क्लियर होगी बात जी। और इधर क्या हुआ, इधर मेरी जो इक्विटी थी वो कितनी होगी, वो पहले 33,000 थी, अब उसके अंदर 5,000 का खर्चा हुआ, यानी उस चीज की कीमत 5,000 थी तो बेची है, और 9,000 की वो सेल हुई, उसकी प्राइस है, 9,000 इनकम हुई, तो दोनों का नेट इफेक्ट हुआ 4,000। मेरी ओपनिंग इक्विटी कितनी थी, 33, 4,000 उसमें और ऐड हो गया तो इक्विटी कितनी होगी, 37,000, ठीक है। ये जो लोन पेएबल है ये मैंने वैसे ही देना है 40,000 का, ठीक है, और ये जो पेएबल टू सप्लायर है, पेएबल टू सप्लायर, ये मैंने अभी उसके 8,000 देने हैं, इसका भी आप टोटल करते हैं तो ये भी कितना है, 85,000। अब आपकी ओपनिंग इक्वेशन ये है उन चार ट्रांजेक्शन को एंटर करने के लिए, उसने इक्विटी का अलहदा कॉलम और बाकी दोनों का अलहदा कॉलम बना दिया, मैं एक ही कॉलम में बना के कर रहा हूँ। आगे चलें जी, आप आगे, यस, और आगे ये देखें, अब आपका होमवर्क ये है, एक तो आपने वो पिछली 8 की 8 ट्रांजेक्शन दोबारा खुद से समझ के करनी है, और फिर जो 8वीं ट्रांजेक्शन है उसके बाद कंटिन्यू करना है, ये समझ लो 9 ट्रांजेक्शन है, ये 10th है, ये 11th है, और ये 12th है, ठीक है। इन चार ट्रांजेक्शन को आपने खुद इक्वेशन के अंदर ऐसे ही कंटिन्यू करके आना है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होगी कल हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके फिर हम लोग आगे चलेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि बहुत स्मूथली ये चीज़ समझा दूँ, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, वेरी गुड। चलें जी, आप लोगों ने कल ये चार ट्रांजेक्शन और इस इन्हीं क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यू करके ऐड करके लानी है, यानी ट्रांजेक्शन नंबर 9 बनेगी, फिर 10 बनेगी, फिर 11, फिर 12 जी। कासिम सर, मैंने पूछना था कि आप हमें सर वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से खुद करवा सकते हैं कल को। कौन से ऑब्जेक्टिव सर? ये जो चैप्टर नंबर 2 के आपने हमें कल कहा था करने को। मैंने आपको शुरू में पूछा है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं सारे करवा सकता हूं बशर्ते कि आपको उसमें प्रॉब्लम हो। आपको जिन जिन में प्रॉब्लम है आपने आज पूछे नहीं है, वो उसके अलावा भी प्रॉब्लम है सर? ये पहले ही वाले में प्रॉब्लम है जरा, ये जो सेकंड फिलिंग में ब्लैंक्स है ना, तो सर ये मुझे तो स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई। चलें कल हम इसको जब क्लास शुरू करूंगा पूछूंगा तो आपने कहना जी ये मुझे समझा दे, मैं कल समझा दूंगा, ठीक है, नो वरी। चलो ठीक है। और ये समझ आया जो आज मैंने पढ़ाया आपको? जी सर ये समझ आया। बस ठीक है, कल अगली चार ट्रांजेक्शन इसमें इनकॉर्पोरेट करके लाइएगा, और चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव में किसी का और का भी मसला हुआ वो सर्कल कर लाइएगा, जब मैं शुरू में पूछता हूँ तो प्लीज पूछा करें, सवाल पूछने पे कोई ममानत नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह ने आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे।